आज हम आपके साथ बेसन और सूजी की लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे। एकदम मुंह में घुल जाने वाली लड्डू बन करके तैयार होती है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो। इस लड्डू को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसन ले लेंगे, ये 1.5 कप बेसन लिया है हमने, वज़न में ये 200 ग्राम है। इसी कप से हम 1 कप सूजी ले लेंगे, ये भी वज़न में 200 ग्राम है, क्योंकि सूजी थोड़ी सी मोटी होती है और भारी भी होती है, इसीलिए 1 कप में 200 ग्राम वज़न आ जाती है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, अगर आपको ज़रूरत पड़ी 1-2 चम्मच डालने की तो आप डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, ये देखिए इसमें घी की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बंध रही है इसका मतलब है कि इसमें घी कम है, आप 1-2 चम्मच इसमें घी और डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। सूजी थोड़ा सा मोटा है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अच्छे से इसको गूंथना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सूजी और बेसन को गूंथ लिया है, लेकिन ये अभी भी फट रहा है, इसका मतलब इसमें और पानी की ज़रूरत है। तो हम इसमें 2 चम्मच पानी और ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। आपको इसको तब तक गूंथना है जब तक ये सॉफ्ट डो बन करके तैयार नहीं हो जाती है। अगर ये फट रहा है इसका मतलब है कि अच्छे से गूंथा नहीं है, तो आप 2-2 चम्मच करके इसमें पानी डालिए और अच्छे से इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और हमने इसको अच्छे से गूंथ भी लिया है। तो हमने 1/2 कप पानी का इसमें इस्तेमाल किया है टोटल। अब इसके हम छोटी छोटी पेड़े काट लेंगे और मुठिया बना के तैयार करेंगे। इसी तरीके से बनाना है, चिकना नहीं रखना है, आपको उंगली को थोड़ा अंदर घुसा घुसा के इसको इसी तरह से बनाना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। तो इसी तरीके से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे और ये देखिए हमने सारे बना के तैयार कर लिया है। तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। तो जब आप इसमें मुठिया डालें तो फ्लेम को लो कर दीजिए। तो एक एक करके हम सारे मुठिया इसमें डाल देंगे, एक बार में जितना आ जाए उतना डाल लेना है। फ्लेम को हमने लो रखा है और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम शुगर सिरप बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बर्तन में डाल देंगे 1 कप चीनी और डाल देंगे 1/2 कप पानी। चीनी आप जितना ले उसका आधा आपको पानी लेना है और कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएंगे जब तक ना शुगर मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। शुगर मेल्ट होने के बाद 2-3 मिनट हम इसको और पकाएंगे और चिपचिपी चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये तार बन नहीं रहा, तार टूट रहा है, इसका मतलब है कि अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद 1 तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर शुरू में ही आप चाशनी को थोड़ा सा हार्ड कर देंगे, 1 तार की चाशनी बना लेंगे, तो बाद में ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए आपको शुरू में हल्का सा पतला ही रखना है, इसको तार नहीं बनाना है। तो 5-6 मिनट के बाद हम मुठिया को इसी तरह से पलट देंगे। तो अलट पलट के हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए मुठिया बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मुठिया को हमने पूरा लो फ्लेम में ही फ्राई किया है, हाई फ्लेम नहीं करना है वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। जितनी अच्छी तरीके से आप इसको फ्राई करोगे आपका लड्डू उतना ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। तो इस लड्डू को बनाना इतना आसान है, ना कोई झंझट ना कोई झमेला कि इसको कितना देर फ्राई करना है, कैसे करना है, कच्ची रह जाएगी पक्की रह जाएगी, ये सारा चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है।
तो एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे और हम इसको पंखे के नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जैसे ही ये अच्छे से ठंडी हो जाए हम इसको हाथों से इसी तरीके से तोड़ लेंगे। तोड़ते टाइम आपको पता चल रहा होगा देख के कि ये कितना खस्ता बन करके तैयार हुआ है। इस लड्डू को बनाने के लिए बस आपको एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, अगर आपको परफेक्ट लड्डू बनाना है तो चाशनी आपकी दो तार की नहीं होनी चाहिए, ठंडी होने के बाद सिर्फ एक तार का चाशनी ही चाहिए, वरना बाद में ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, फिर लड्डू खाने में आपकी दांत टूट जाएगी, फिर बाद में मत बोलना कि हमने बताया नहीं था। तो ये देखिए सारे मुठिया को हमने अच्छे से तोड़ लिया है, तो इसके पीसेस थोड़े बड़े बड़े हैं तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, उसके बाद इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने खलबट्टा लिया है, अगर आपके पास खलबट्टा नहीं है तो आप इसको बेलन से भी तोड़ सकते हैं। पहले सारे पीसेस को एक पॉलीथीन में डाल दीजिए, ऊपर से बेलन से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो पीसेस छोटे हो चुके हैं, हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे तोड़ के तैयार कर लेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और दरदरा इसको हम पीस लेंगे। तो इसको हमने दरदरा पीस लिया है और इसके दाने एक एक दाने एकदम फूल करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट ये लड्डू बन करके तैयार होगा। इसी तरीके से हम बाकी का जो बचा हुआ है उसको भी पीस लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। यहाँ पे हमने पैन को गरम कर लिया है, अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और घी जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 10 से 15 किशमिश डाल देंगे और 10 से 12 हमने बादाम लिया था उसको भी ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको खाने में पसंद है। किशमिश जैसे ही फूल जाए इसको निकाल लेना है। तो किशमिश अच्छे से फूल चुकी है ये देख सकते हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को बिना फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई करके डालोगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिला देंगे। चाशनी ठंडी होने के बाद ये देखिए कितना गाढ़ी हो चुकी है। तो चाशनी को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, अब इसमें हम 2 से 3 बूंद येलो फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें वरना स्किप कर सकते हैं। तो चाशनी को हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे जितना ज़रूरत है। सूजी के ऊपर जब आप चाशनी को डालते हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही आप 2-3 लड्डू बना लेंगे आपको लगेगी कि फिर से ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा फिर डालिए, फिर आप 2-3 लड्डू बनाइए, फिर शुगर सिरप थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। लास्ट टाइम आप देखिएगा बहुत ज़्यादा वो सूखा हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अगर इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी लड्डू परफेक्ट बन करके तैयार होगी। मैं अपनी वीडियो में जो सच है वही आपको दिखाती हूँ, झूठ बोल के गलत मेजरमेंट और गलत तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। बड़े बड़े जो कुकिंग चैनल है आप गौर कीजिएगा, कभी भी एक बार में आपकी वीडियो सही नहीं बनेगी अगर वो लोग की वीडियो देख के आप बनाएंगे तो। आप इस बात को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कोई भी ऐसी रेसिपी है जो एक बार में सही बन करके तैयार हुई है। मैं तो नहीं मानती हूँ इस बात को, वो लोग बनाते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो इस मिठाई की सबसे ख़ास बात यही है कि आप इसे स्टोर करके फ्रिज के बाहर 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हैं। तो ये लड्डू कितना सॉफ्ट बना है हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बन करके तैयार हुई है और बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनी ही है और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करेंगे। किस तरीके से आप बालूशाही को परफेक्ट बना के घर पे ही तैयार कर सकते हैं, इसकी कई सारी टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मैदा, तो 1.5 कप मैदा लेंगे हम। वज़न में ये 180 ग्राम है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का नहीं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। बेकिंग पाउडर और मैदा को बहुत अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। वज़न में ये 50 ml है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा और घी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। बालूशाही में घी या तेल की मात्रा कम रही तो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसके लिए हमको चेक करना है। तो इसी तरीके से मुठिया बना लेना है। अगर बन रही है इसका मतलब है कि मेजरमेंट सही है, और अगर नहीं बन रही है इसका मतलब है कि थोड़ा सा तेल या घी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। लेकिन इसको आटे की तरह बिल्कुल नहीं गूंथना है, सारे आटे को हमको बस इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 कप पानी लिया है और इसी से हम आटे को गूँथ रहे हैं। तो हम कितना पानी का इस्तेमाल करेंगे ये तो लास्ट में ही पता चलेगा। तो पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक बार में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे हमने आटे को गूँथ लिया है और बहुत सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने आटे को गूँथा है। आटे को चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी तरीके का क्रैक होना चाहिए आटे पे। आटे को गूँथने के लिए कितना पानी का इस्तेमाल हुआ चलिए देखते हैं। तो 1/2 कप हमने पानी लिया था, तो 2 से 3 चम्मच इसमें बच गया है। तो आटे को हम रेस्ट पे रखेंगे 20 मिनट के लिए, इसको हम कवर कर देते हैं। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमने 1 कप चीनी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी। तो आप जो भी कटोरी से मेजरमेंट करते हैं, तो अगर 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो 1/2 कटोरी पानी डालना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए शुगर को मेल्ट होने देंगे। अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हैं तो 1000 पे रखना है इसका टेम्परेचर, और गैस पे बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम में रखना है। तो हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तार की चाशनी बन रही है, तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। तो ऑरेंज फूड कलर मेरे पास नहीं है, तो हम इसमें रेड और येलो मिक्स करके डालेंगे, तो ये ऑरेंज बन जाएगा। तो फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। बालूशाही में ऑरेंज फूड कलर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, एकदम मार्केट स्टाइल लगती है बिल्कुल। लेकिन घर की बालूशाही और मार्केट की बालूशाही दोनों में बहुत ही अंतर है। घर वाली जो होती है वो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो चाशनी को हम कवर कर देंगे और साइड पे रख देंगे इसको। 20 मिनट हो गई है, अब आटे से हम बालूशाही बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आटे को खोलने के बाद गूँथना नहीं है, इसी तरीके से पटकना है। किसी का गुस्सा है तो आप इसमें निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दबाते हुए आटे को हम चपटा करेंगे। छुरी से काट देंगे और इसका लेयर बनाएंगे। तो 5 से 6 बार आपको ये प्रोसेस करना है। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा लेयर बन करके तैयार होगा। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी अच्छी चीज़ खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसे घर पे बना रहे हैं तो ये बहुत हेल्दी भी है। मार्केट वाली जो होती है आपको तो पता ही है कि किस तरीके से वो लोग बनाते हैं। मार्केट वाली जो बालूशाही होती है आपको तो पता ही है वो लोग कैसा तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपके घर वाले हेल्दी खा रहे हैं
तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना चाहिए। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, साइज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। तो हल्के हाथों से इसका बॉल बनाएंगे और बीच से इसका हम छेद बना देंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये जो बालूशाही बन रही है आप देख रहे हैं, इसमें हल्की हल्की क्रैक है आटे में। क्रैक होना ज़रूरी है, तभी आपकी बालूशाही अच्छे से फ्राई भी होगी और रस अंदर तक इसका जाएगा। सारे बालूशाही को हमने बना के तैयार कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तेल को हमने हल्का गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। फ्लेम को हमने लो रखा है और जब हम बालूशाही डाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं हल्की हल्की बबल आ रही है। बालूशाही डालने के बाद नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब है कि तेल ठंडा है। अगर ये तेल के ऊपर आ जाए इसका मतलब है कि तेल गर्म है। तो आप पहले चाहे तो छोटी सी आटी डाल के इसको चेक कर सकते हैं। ये इतना गर्म है कि आप चाहे तो तेल को छू सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। ठंडा करने के बाद ही आप बालूशाही को उस पर डालें, क्योंकि अगर तेल गर्म रही ज़्यादा तो आपकी बालूशाही अच्छी बन करके तैयार नहीं होगी, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। बालूशाही को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये लो फ्लेम में बनता है, तो इसीलिए हम एक बार में ही सारे डाल देंगे। ज़्यादातर वीडियो में हम इसी बर्तन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बर्तन है और इसमें एक साथ में बहुत सारा फ्राई कर सकते हैं। तो बालूशाही एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है तो हम इसको हल्का हल्का चमचे से हटा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये फूल जाएगा। अच्छा, जब इंसान मोटा होता है तो स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये भी अभी मोटा होने वाला है इसीलिए इसके लिए हम जगह बना रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये तहर के ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं, और ये फूल भी गया है, मतलब मोटा हो गया है। अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हैं तो 200 से 400 कर देना है, और गैस पे अगर बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, लो फ्लेम से थोड़ा लो हाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारे प्रोसेस बता रहे हैं, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा तो आपकी परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो बालूशाही को बनाते बनाते बीच में लाइट कट गई तो हम गैस पे आ गए हैं और इसको हमने मीडियम लो फ्लेम में रखा है। आप देख सकते हैं इसकी साइज और भी बड़ी हो गई है। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि आधा वीडियो हम इंडक्शन पे शूट करते हैं और आधा वीडियो गैस पे शूट करते हैं क्योंकि बीच में लाइट कट जाती है हमेशा। तो अब इसको हम पलटेंगे नहीं, जैसे नीचे की ओर से अच्छे से सीख जाए फिर हम इसको पलटेंगे। नीचे के साइड से थोड़ी सी ये फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम पलट देंगे। तो इसी तरह अलट पलट के इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब इसको हम फ्राई कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी क्रैक आ गई है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई भी होगी और इसमें रस भी बहुत अच्छे से जाएगा अंदर तक। तो आपको इसका डिज़ाइन नहीं देखना है कि ये चिकना नहीं बना है, इसको चिकना बनाना भी नहीं है। अगर आप इसको चिकना बनाएंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी, अंदर तक ये कच्ची रहेगी। तो अलट पलट के बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, जब आप मैदे से कोई भी रेसिपी बनाते हैं, खस्ता टाइप का जो भी होता है, तो उसमें क्रैक होना ज़रूरी होता है बहुत अच्छे से फ्राई करने के लिए। तो सारे बालूशाही को एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो चाशनी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें परत आ गई है क्योंकि हमने इसको एक तार का बनाया था। तो हल्की सी हम इसको गरम करेंगे, कुछ सेकंड बस इसको गरम करना है। ये इतना गरम होना चाहिए कि आप इस पे उंगली डाल सकें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है आपको। अगर आप चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेंगे तो ऊपर से भी ये सॉफ्ट हो जाएगी और अंदर से भी, फिर ये अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो बालूशाही का मतलब है कि ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, अब एक एक करके बालूशाही को हम डाल देंगे जितना एक बार में आ जाए। बाकी का जो बचा हुआ है इसको हम बाद में कर लेंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
2 मिनट के बाद ढक्कन को खोल देंगे और सारे बालूशाही को हम पलट देंगे। फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोल देंगे और एक एक करके सारे बालूशाही को हम निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इस रेसिपी के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो सारे बालूशाही को हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो थोड़ा सा काजू का हमने पाउडर बना लिया था, आप चाहे तो पिस्ता या बादाम का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको खाने में पसंद है। तो अब एक बालूशाही को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट अंदर से और बाहर से कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ही परफेक्ट बालूशाही बन करके एकदम तैयार हुई है। अंदर में एकदम रस भरी है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बालूशाही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। आप इस बालूशाही को बाहर में 3 से 4 दिन और फ्रिज में रख के 15 दिन तक खा सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल में आप इस रेसिपी को आराम से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम की चाय के साथ स्नैक्स पे या बच्चों को टिफिन में भी ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।